फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं छठ पूजा के लिए और हम लोग घर से निकल गए हैं और सब लोग आगे चले, बस हम ही लोग पीछे हैं। और अनी के पापा, देखिए अनी के पापा और अनी आगे हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो पीछे कितने लोग आ रहे हैं और आगे तो बहुत लोग हैं। अवनी, अवनी कहाँ जा रही हो? अवनी इधर बोल, इधर बोल। अवनी मेला जा तू? अवनी बहुत खुश से बाजा बाज रहा है ना, तो अवनी नाच रही है। लेट हो गए हैं हम लोग, उतना भी लेट नहीं है। अभी धूप आप लोगों को दिख रहा है चेहरे पे आ रही है। और हम आगे जाएंगे तो मतलब म्यूजिक मतलब हम बोलना बंद कर देंगे और बाद में आवाज डालेंगे, सुनाई नहीं देगा ना, भीड़ उड़ ज्यादा रहेगा। इसे आप लोग देख सकते हो अभी कम भीड़ है, अभी उधर भीड़ जाके कितना सारा होगा अभी मालूम नहीं। इधर है पूजा, अरे सब मालूम नहीं कहाँ चली गई। देखिए फ्रेंड्स, पीछे ढोल बज रहा है। इधर मराठी लोग ना, हम लोग के इधर तो बाजा बैंड बाजा चलता है ना, इधर बस ना ढोल बाजता है, मतलब बड़ा बड़ा ढोल रहता है, चाहे लड़की लोग बजाए चाहे लड़का लोग, लेकिन ढोली बाजता है। अहनी के पापा पीछे ही रह गए, हम जल्दी जल्दी चले आए। देखिए पीछे आ रहे हैं, ये रघुवीर स्कूल, बहुत बड़ा स्कूल है। हमारे इधर के लड़के इधर ही पढ़ते हैं इसी में। फ्रेंड्स, भाभी के घर पे आए वो लोग बैंड बाजा के साथ, मतलब गए हैं लोग, वो आगे निकल गए लोग। समझ जाइए कि हम ही लोग बस पीछे हैं और कुछ लड़की लोग हैं गली में की, तो वो लोग बाद में आ सकती हैं और सबसे पीछे हम ही लोग हैं। पीछे देखिए और आगे भी देखिए, फ्रेंड्स जो 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 मनौती माना रहता है ना जैसे, तो वो लोग सो सो के जाते हैं। आप लोगों ने देखा पीछे, मतलब एक आदमी थे वो ऐसे लेट के, मतलब जैसे पूजा करे वैसे करके जाते हैं लोग। तो ऐसे मनौती होता है फ्रेंड्स, जो मतलब मनौती मान के रहते हैं ना वो ऐसे ही जाते हैं लोग। लग रहा है मैं जल्दी जल्दी चल रही हूँ, उन्हीं के पापा धीरे धीरे चल रहे हैं। देखिए पीछे पब्लिक और घाट पे अभी हम लोग बस अभी आधा दूर पहुँचे हैं और आधे दूर में पहुंचने वाले हैं, दिख रहा है यहाँ से, देख सकते हो दिख रहा होगा वही घाट है। इतना दूर कितना इधर का मस्त आ रहा है ना पूजा, सब घास उस ना कोई प्लेन कर दिया है पूरा एकदम, बहुत अच्छा इधर लग रहा है। इधर सो जा, अवनी का पापा बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं, पूजा बोल रही है इधर सो जाओ, इतना अच्छा रहा है ना। अरे रील्स बनाने लायक बहुत है इधर, अगर इधर आके हम लोग रोज रील्स बनाए ना तो बहुत अच्छा लगेगा। पीछे देखिए, बाप रे, उधर आवाज कट हो जाएगी फ्रेंड, इसलिए ना कि उधर इतना शोर होता होगा ना कि आवाज उधर आएगी नहीं। तुम जाते हैं तो मिलते हैं आपको। अवनी के पापा जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ ना, इधर का लोकेशन बहुत मस्त आ रहा है। अवनी, अवनी तुम और पापा कितना धीरे धीरे चल रहे हो, हाँ? हे अवनी, बोल ही नहीं रही है। इतना दूर जाना है ना कि कोई जाते जाते ही थक जाएगा। देखिए सब लोग भूखी प्यासी हैं और दूर बहुत जाना रहता है फ्रेंड्स। गांव में है तो थोड़ा ही दूर जाना रहता है, लेकिन इधर है ना मतलब 2 किलोमीटर तो पड़ ही जाता है घर से, बहुत ज्यादा दूर जाना रहता है। आप लोगों को दिखाऊं कितना सुंदर लग रहा है, रुक जाइए आप लोगों को दिखा रही हूँ इधर से लोकेशन, बहुत मस्त आ रहा है। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। इधर वो टेंट, मतलब टेंट लगाए हैं लोग कुछ, उधर होता है और इधर देखिए पूरा पब्लिक।
फाइनली पहुंच गए अपने लोकेशन पे और देखिए कितना भीड़ है। हेलो, अभी ढूंढना पड़ेगा कि बेदी कहाँ पे है। वैसे समझ आ रहा था कि कहाँ पे जाना है, आज समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ पे जाना है। आजा पूजा, अन्नी को पापा को बोल पीछे पीछे आएंगे तो जान नहीं पाएंगे। सो है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपना आवाज़ कट कर दिया है और यहाँ पे मेरी आवाज़ आती भी नहीं, इसलिए कि इतना शोर हो रहा था कि यहाँ पे आवाज़ आना मुश्किल ही था, इसलिए मैंने अपना आवाज़ कट कर दिया। और देखिए फाइनली हम लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं पूजा के लिए और देखिए कितना भीड़ है फ्रेंड्स। यहाँ गांव से भी ज़्यादा भीड़ होती है और बहुत ही भीड़ होती है। गांव में इतना भीड़ नहीं होती लेकिन यहाँ पे इतना भीड़ होती है ना कि क्या ही बताऊँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए सब लोग पूजा कर रही हैं। तो फ्रेंड्स भाभी लोग बैठी हैं इधर, सब लोग पूजा कर रहे हैं। इतना बेदी हो गया था ना कि जगह ही नहीं। पहले तो हम लोग गए थे बनाने, तो मतलब नीचे बनाए थे, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद ना एकदम ऊपर देखिए सब नीचे बैठे हैं और ऊपर इतना बेदी थी ना, थोड़ा सा भी जगह नहीं था बैठने के लिए। इधर देखिए भाभी है, आंटी है और ये सब भाभी है गली में की, और इधर ये बगल में है जो लाल वाली साड़ी आंटी हैं, बाकी सब लोग भाभी हैं। और अभी ये लोग सब लोग पानी में जाएंगी। और यहाँ पे देखिए हम आगे थोड़ा सा पोज ले लिए थे ताकि अच्छा दिखे। तो देखिए आप लोग, गांव में इतना भीड़ नहीं होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे इतना भीड़ हो जाता है। यहाँ पे देखिए हम लोग खा रहे हैं मंचूरियन, अपने के पापा बोल रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा है। मेला बहुत लगता है फ्रेंड्स, अभी देखिएगा आप लोग इधर मेला लगा है, अच्छा ही नहीं लग रहा है मैं बोल रही हूँ। और अवनी नीचे भी खा रही है और छोटी सी है ना, दिख नहीं रही है, देखिए वो अवनी खा रही है। और इतना टाइट था ना वो मंचूरियन, अच्छा ही नहीं था, तीखा भी नहीं लग रहा था और अच्छा भी नहीं लग रहा था। अवनी के पापा बोले थे अच्छा नहीं है। तो इधर मेला भी लगा था फ्रेंड्स, देखिए ये सब मेला लगा है बच्चों के लिए, वही मिल रहा था सब कुछ, नहीं वही बच्चों के लिए फुटबॉल यही सब गेना वेना यही सब मिल रहा था खेलने के लिए। और अवनी ले लेके पूरा घूम रही थी। और फ्रेंड देखिए आगे का पोज है ये। और फिर फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं आगे का, आप लोग देख सकते हो इतना भीड़ में कोई कैसे आवाज़ सुनाएगा, आप ही बताओ इतना भीड़। इतना दूर तक है कि मेरा हाथ ही नहीं वहाँ तक जा रहा था। और यहाँ पे हो रहा है सेल्फी ट्रिक, यहाँ पे देखिए मैंने फोटो पोज किया है। और यहाँ से सब लोग सेल्फी ले रहे हैं, स्टैंड लेके गई थी ना वो हाथ में पकड़ने वाला, सब लोग उसी से सेल्फी ले रहे थे, दीदी लोग हैं सब लोग और भाभी लोग हैं। इधर अवनी पापा लेके अवनी को खड़े हैं। और यही लास्ट था वहाँ का, शाम हो गया था, आप लोग देख सकते हो वीडियो में थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा पीछे, शाम हो गया था और यहीं तक मैंने वीडियो बनाया। फिर उसके बाद सुबह का वीडियो है और बस यहीं तक का लास्ट वीडियो था। ये बोल रही है आई फ्रेंड। तो फ्रेंड्स यही शाम का है, यहाँ से लास्ट है, यहाँ से हम लोग घर पर चले आए और फिर सुबह को गए, तब मैं वीडियो बनाई। और सुबह का आप लोग देख सकते हो, ये है सुबह का फ्रेंड, यहाँ पे सुबह का आप लोग देख सकते हो। उतना मतलब उजाला भी नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा ही उजाला फिर भी हो गया था, दिख रहा था, लाइट जल रही थी फिर भी दिख रहा था। और सब लोग पानी में चली गई हैं, जो जो पानी में सब चला गया था सब लोग कांप रही थी फ्रेंड्स बहुत, उन लोग को ठंडा लग रहा था। बच्चे लोग तो इतना कूद कूद के नहा रहे थे उसमें, उन लोग को ठंडा ही नहीं लग रहा था, लेकिन जो व्रत थी उन लोग को बहुत ठंडा लग रहा था। अर्घ का समय हो गया था ना, तो सब लोग अर्घ लेने जा रही थी। यहाँ पे कैमरा मालूम नहीं क्यों फ्रेश नहीं आ रहा था, जैसे लग रहा था हिल रहा है कैमरा, पकड़ी थी, कोई कुछ मांग रहा है ना तो मैं उसको बोल रही हूँ। वो अगरबत्ती मांग रही थी भाभी,
पानी में जाती हैं लोग ना, तो सब कुछ मांगती रहती हैं लोग, तो उन लोग को चाहिए होता है। एक आदमी तो वहाँ पे बैठे हैं, तो मैं वहाँ पे बैठी थी ना, तो मैं दी थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वो आंटी का ना, उनका एक दिया देना था, तो दिया बना रही थी मैं, वो बना के देना था वो जलाने के लिए। सुपेली में जो लेके पानी में बैठती है ना, उसको जलाना पड़ता है, तो दिया लेके जला रही थी। और उनको सिंदूर भी पहनाना था आंटी को। तो जो बिहारी लोग में होती है ना, वो लोग मतलब ये पूरा मांग सिंदूर पहनती है यहाँ से लेके नीचे तक, तो उन लोग को पहनाना पड़ता है। और मैं यहाँ अभी बाती की तैयारी कर रही हूँ दिया जलाने के लिए। मांग रही थी, इधर आरती वीडियो बना रही थी, बार बार बोल रही थी। तो अभी मैं आंटी को सिंदूर लगाऊंगी। देखिए उनको हर औरतों को लगाती हैं, लेकिन सब लोग पानी में थी तो कोई लगा नहीं पाया, तो मैं चली गई लगाने। सुहागिन औरतें लगा सकती हैं किसी को भी, चाहे वो व्रत हो चाहे ना हो। अच्छा नहीं लग रहा था फ्रेंड्स, घर की बहुत याद आ रही थी, ऐसे बहुत रोना रहा था। मम्मी की बहुत याद आ रही थी, सबकी बहुत याद आ रही थी। सुबह का टाइम था, अच्छा नहीं लग रहा था। और फ्रेंड्स यहाँ पे सब अर्घ का टाइम हो गया, आप सब लोग अर्घ लेंगे। देखिए यहाँ पे सब कोई अर्घ ले रहे हैं, सब कोई, सब औरतें लोग अर्घ लेंगी। और इसके बाद सब लोग औरतें कांप रही हैं, नहा के सब खड़ी हैं लोग, इतना पब्लिक ना। और इधर बच्चे तो एकदम धूम मचाए हुए हैं, बच्चे के आदमी लोग भी बहुत नहा रहे थे, उसी में पगड़िया मार रहे थे सब लोग, मोबाइल ले लेके अंदर घुस जा रहे थे वीडियो बनाने के लिए। और इधर भाभी हैं, उनको पानी में ही नींद आ रहा था, तो मैंने उनका थोड़ा सा आगे कर लिया। सो फ्रेंड्स यही है सुबह का इतना वीडियो, और यही लास्ट था। फिर हम लोग यहाँ से घर चले आए, और देखिए मैंने फोटो पोज ले लिया, ये लास्ट था। सो फ्रेंड्स घर पे चले आए, और सब पूजा वीजा हो गया, और हम लोग वहाँ से घाट पे से मतलब अभी आ रहे हैं। और ब्लॉग हम डालेंगे, और आप लोग हमारे ब्लॉग को प्यार देना, और हमारा ब्लॉग कैसा लगा लाइक करना, शेयर करना, और अच्छा लगे तो कमेंट भी कर देना अच्छा सा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और छठ का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग जरूर बताना। सुबह का टाइम था, और अवनी के पापा और अवनी नहीं गए थे, इसलिए कि अवनी की रात में थोड़ा थोड़ा तबीयत खराब थी और अवनी नहीं गई थी। देखिए अवनी सोई है। सो फ्रेंड्स आप लोग मेरे ब्लॉग को प्यार देना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।